लेजी नाजरीन हाजरी, अगली स्टोरी है सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न करते हैं जी हम। सेल्स रिटर्न सिर्फ किस किसने की हमें? अल्लाह तआला साहब ने की। कितने की? 70 रुपए की। जब हमने उन्हें सेल की थी, हमने एंट्री की थी ये रिसीवेबल डेबिट सेल करंट। अल्लाह जितने ने हमारे टोटल पैसे कितने देने थे? 150 रुपए उसने हमें देने थे, 150 रुपए देना था। अब उसने हमें कहा कि जी मुझे चीजें पसंद नहीं है, 70 की चीज उसने वापस कर दी। जब वो 70 की चीजें वापस करेगा, फिर उसने हमारे कितने पैसे देने? 80 रुपए देने। तो इस सेल रिटर्न की वजह से रिसीवेबल कम हो गए या ज्यादा? रिसीवेबल कम होंगे। रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? एसेट है। और एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट। एसेट बढ़ते तो कम होता है, लेकिन अब तो सेल रिटर्न हो रही है। सेल रिटर्न से रिसीवेबल कम हो रहे हैं ज्यादा? कम हो रहे हैं। रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो एसेट कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है, बढ़ता है तो एसेट क्या होता है? डेबिट। कम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? एसेट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कर दो। लो जी नाज़रीन, सेल्स रिटर्न की वजह से रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं। हम रिसीवेबल्स को कर देंगे क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? सेल्स इनकम है ना, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सेल्स बढ़ती है, इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब सेल रिटर्न हो रही है, सेल कम होगी तो, लेकिन इसका अकाउंट हम अलग बनाएंगे सेल्स रिटर्न। लेकिन सेल्स रिटर्न को लेस कहां से कराएंगे? सेल्स में से ही। सेल बढ़ती है तो क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न होगी तो सेल रिटर्न। सेल का क्या है? अपोजिट। सेल्स इनकम, इनकम की नेचर क्रेडिट, तो सेल होगी क्रेडिट। और जब सेल रिटर्न होगी तो क्या होगा? डेबिट। तो इसको हम एंट्री करेंगे सेल रिटर्न डेबिट, और रिसीवेबल को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि सेल रिटर्न से हमारे रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इस पॉइंट को देखते हैं। पहली एंट्री है रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये क्लियर है। और फिर ये एंट्री देखेंगे, जब वो वापस करेंगे तो रिसीवेबल कम होंगे। रिसीवेबल कम होंगे तो रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और सेल्स चूंकि वापस आ रही है, सेल्स की नेचर इनकम है, क्रेडिट होगी, लेकिन जब वापस आएगी तो उसकी नेचर डेबिट होगी। लेकिन सेल्स का अकाउंट, ओए मेरी सुन ले, सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न क्यों डेबिट होती है? क्योंकि ऐसे हमारी सेल्स वापस हो रही है। सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट, अब सेल वापस हो रही है तो इनकम कम होगी तो क्या होगी? डेबिट। लेकिन सेल्स रिटर्न का अकाउंट अलग होता है। साल के एंड पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फिर हम सेल में से सेल रिटर्न लेस करवा देते हैं। सेल में से सेल रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न का मतलब है कि सेल्स नहीं हुई। अब दोनों एंट्रीज देखो, क्लियर है? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फिर रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट। देखो एंट्री के साथ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? क्लियर एंट्री। लो जी, अल्लाह जितने ने हमारा रिसीवेबल था, इसको हमने उधार पे चीजें बेची थी, अभी हमें वापस कर रहा है, तो अल्लाह जितना का रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? हमारा रिसीवेबल जो अल्लाह जितना है, हमारा रिसीवेबल कम होगा या ज्यादा होगा इस वापसी से? कम होगा। रिसीवेबल क्या होंगे? कम। रिसीवेबल क्या होते हैं? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। क्या होता है? एसेट। रिसीवेबल क्या होता है बेटे? एसेट। रिसीवेबल एसेट होता है, और एसेट की नेचर क्या होती है? रिसीवेबल बढ़ रहा था तो डेबिट होगा, अब उसने सेल रिटर्न किया तो रिसीवेबल क्या होगा? कम होगा। रिसीवेबल कम होगा तो एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। आओ रिसीवेबल बशीर को क्रेडिट करें। कितने से? अल्लाह जीते को लिखे, अल्लाह जीते ने वापसी किया ना, अल्लाह जीते के अकाउंट में लिखेंगे 70 रुपए। रिसीवेबल 70 रुपए से कम हो रहे हैं, वजह क्या है? सेल्स रिटर्न। वजह क्या बच्चों? अच्छा है, सेल्स रिटर्न सही है। और किसी सेल को हमें वापस किए? 40 रुपए। बुगेम्बो बताओ, इन टी अकाउंट्स में, इन टी अकाउंट्स में कर आपके बेटे जरत के साथ बात, दानियाल, दानियाल बेटे बताओ, ये जो बुगेम्बो ने सेल रिटर्न किया 40 रुपए, ये किस टी अकाउंट में लिखे? किसके अकाउंट में लिखूं? बुगेम्बो के अकाउंट। सादा से जवाब। ओके भाई ने जवाब दे दिया, बुगेम्बो के अकाउंट में लिखे, क्योंकि बुगेम्बो ने सेल रिटर्न की। अब मुझे ये बताओ, बुगेम्बो के अकाउंट को इस सेल रिटर्न की वजह से डेबिट करूं या क्रेडिट? है क्रेडिट करूंगा। कितने से? वजह क्या है? सेल रिटर्न को वजह ये। किसी को एतराज? किसी को एतराज? बुगेम्बो को मैंने सेल कितने की थी? 80 की। वापसी कितने को हुआ?
उसने मेरे कितने पैसे देने हैं? 40 देने हैं। ओके, अब हम इस टी अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे निकालते हैं 40 को निकालते हैं। जब भी किसी टी अकाउंट को बैलेंस करना हो तो लाइन लगाए आयशे, क्या करें? टाइम लगाए, हैवी साइड का टोटल करें। कौन सी हैवी साइड? डेबिट या क्रेडिट? हैवी साइड का टोटल करें 80, और इस हैवी साइड को टोटल पे लिखें दूसरी तरफ 80। क्या अकाउंट को टैली करने का, बैलेंस करने का तरीका क्या है? हैवी साइड का टोटल करें और दूसरी तरफ पुट कर दे। पुट कर दिया, अब जो कुछ हो माइनस कर दे। यहां कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 40, तो कितना बच गया? 40 बैलेंस। इसके बाद देख लेंगे बैलेंसिंग, ये हमारे पास कौन सी अमाउंट है? बैलेंसिंग। और अगर ये महीना या साल खत्म हो गया तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारा कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा क्या भैया? क्लोजिंग बैलेंस। और यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? नेक्स्ट ईयर का बनेगा ये ओपनिंग बैलेंस। क्या बनेगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को प्यार से कहते हैं ब्रॉट डाउन। अगर कहीं लिखा हो ब्रॉट डाउन तो इसका मतलब क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। और एक क्लोजिंग बैलेंस को कहते हैं कैरिड डाउन, क्या अगले साल ले जाओ। और अगर कहीं ये सीडी लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? कैरिड डाउन। क्या मतलब है इसका? कैरिड डाउन। और कैरिड डाउन किसको कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस को। ब्रॉट डाउन किसको कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस को। उसको प्यार से क्या लिखते हैं? B/D। और कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस आगे ले जाओ, अगले साल ले जाओ। क्लोजिंग बैलेंस को प्यार से क्या लिखते हैं? CD लिखते हैं। इसका मतलब है पूरे साल इसे सेल की 40 की, 40 की रिटर्न हो गई, तो इसे मैंने कितने पैसे लेने अभी साल खत्म होने में? 40। तो इसके साथ CD लिखूं या BD लिखूं? CD लिखूंगा। आयशा की क्या परसेंटेज है? FSC में क्या परसेंटेज है बेटे? आयशा तुम्हारी क्या परसेंटेज है? 78। ठीक, आयशा को समझ आ रही है अकाउंटिंग। हाँ जी बोलो फिर। क्या करते हैं टी अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं? हैवी साइड का टोटल लिखो, दूसरी तरफ पुट करो, उसी टोटल को पुट करो, और जो बैलेंस है मुझे तो माइनस करो, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग आंसर आ जाएगा। चलो एक और अकाउंट करो, अल्लाह जीता साहब। अब पहले तो सिंपल मैथ, आपके हिसाब से हमने अल्लाह जीता को 150 की चीजें बेची थी, 70 उसने वापस कर दी, उसने हमारे कितने पैसे देने? 80 रुपए आंसर आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। कितना बैलेंस आ जाएगा? सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे कैसे? हैवी साइड का टोटल, कौन सी साइड हैवी है, डेबिट या क्रेडिट? कौन सी साइड हैवी है? डेबिट साइड हैवी लिख दो 150, दूसरी तरफ पुट करेंगे, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप दूसरी तरफ पुट कर दो 150, तो जो कुछ मौजूद है माइनस कर दो, तो 150 से 70 माइनस कर दो, क्या बैलेंस बनता है? कितना? 80। और ये हमारा कौन सा आंसर है? बैलेंस है। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस को अकाउंटिंग में क्या लिखते हैं? कैरिड डाउन बैलेंस लिखते हैं। बोलो किसी पे इतराज? आज हमने डे बुक सीखी, डे बुक्स में से दो डे बुक सीखी, सेल्स डे बुक, और फिर हमने उस सेल्स डे बुक से हमने जो हमारे कस्टमर थे, जो रिसीवेबल थे, हमने उनके महल्ले में एंट्री की, और उनके महल्ले को क्या कहते हैं? रिसीवेबल लेजर कहते हैं। जब उनको हमने सेल की तो वो डेबिट हो रहे थे, क्योंकि रिसीवेबल एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब उन्होंने रिटर्न की तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। और फिर हमने सीखा ओपनिंग बैलेंस को BD कहते हैं, ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को CD कहते हैं, मतलब कैरिड डाउन। और हमने टी अकाउंट बैलेंसिंग करना भी सीखा। अब इसका बैलेंस करते हैं। बशीर को कितनी सेल्स की? हैवी साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट को हैवी साइड का टोटल 100, दूसरी तरफ लिखेंगे क्या भैया? 100। तो क्लोजिंग बैलेंस बताओ, क्योंकि कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो कह रहा 100। किसी को इतराज? ओके आगे चलो। लें जी, हैवी साइड का टोटल कितना? नजीर का इनसेप्ट का टोटल 120, दूसरी तरफ पुट करें तो 120 कुछ माइनस करने के लिए है नहीं है तो बैलेंसिंग अमाउंट कितनी आएगी? 120। और ये क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखूंगा? अब जितना कुछ पढ़ा इसको अच्छी तरह रिकॉल करके बताया करो, उसमें है शुरू से लेकर एंड तक। पहले उधार पर डे बुक से रिलेट करें, फिर डे बुक्स में आए, डे बुक से रिसीवेबल लेजर में आए, और रिसीवेबल लेजर से डेबिट क्रेडिट को रिलेट करके क्लोजिंग बैलेंस तक कैसे जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को देखकर बताया करो, मसला तो नहीं।
कहीं कोई लिंक टूट रहा हो समझ रहा होगा अभी पूछे अभी वीडियोस भी शेयर हो जाते हैं किसी को मसला हो एक नजर दोबारा घर जाकर दोबारा भी देखना लेकिन इतनी दबार रिकॉल किया है इतनी दबार डिस्कस किया मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए तो पड़ा है सारा आपने दे दिया भाई पूरी अकाउंटिंग हमारे लिए हो गई जब वो रिटर्न कर रहे हैं एटी हम बैलेंस कर रहे हैं एटी का कौन निकला है सेवेंटी सी दे देना हमें एटी वापस में देने हैं तो मैं यही कह रहा था कि पूरा साल मैंने उसको एक सौ पचास की सेल की सत्तर ही उसने वापस कर दी तो मैंने उससे कितने पैसे लेने अस्सी तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि अभी तुमने मेरे अस्सी देने क्लोजिंग बैलेंस अस्सी है तो वन फिफ्टी हमने अगर वो वापस ना करता और मैं कहता शायद वापस ना करता फिर मैं सेल भी ना लिखता सेल एक अलग इवेंट है सेल्स रिटर्न एक अलग इवेंट है जब सेल हुई तो मैं लिखूंगा रिसीवर पे डायरेक्ट सेल क्रेडिट और अगर उसको पसंद नहीं आती वापस दे देते तो मैं क्या एंट्री करूंगा सेल्स रिटर्न डेबिट रिसीवेबल करंट ये दोनों डिफरेंट डेट्स भी डिफरेंट है भाई इसकी डेट फर्स्ट है इसकी डेट सेवंथ है दो डिफरेंट इवेंट्स जी क्लियर कोई मसला कोई और बताया जी कोई सवाल खान साहब कुछ भी सर बी बाई डी सर कहां पर आता है ये तो सी बाई डी का है ना सर मेरे कहता है बी बाई डी वो ब्रॉड डाउन जी ये लिखा था मैंने बेटा ये रहा ब्रॉड डाउन जब मैं अगले साल टी अकाउंट बनाऊंगा किसका अल्लाह दिता का बना ले अगले साल नेक्स्ट ईयर बना ले नेक्स्ट ईयर जब मैं अल्लाह दिता का पिछले साल का क्लोजिंग बताओ खान साहब अल्लाह दिता का क्लोजिंग पहले बताओ कितना था पिछले साल बोलो खान साहब 80 था ना क्लोजिंग तो अगले साल का क्या होगा ओपनिंग क्या ऐसा होता है कि लोगों से अगर आपने पैसे लेने हो और 31 दिसंबर आ जाए लोगों से लेने 10 लाख 31 दिसंबर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अगले साल ओपनिंग में लाएंगे तो आप लोग रिसीवेबल माफ कर देंगे सर तो लेने है ना तो मैं लिखूंगा मेरे ओपनिंग रिसीवेबल इतने तो जब अगले साल जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा ब्रॉड डाउन कितना था लास्ट ईयर का बैलेंस 80 तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल क्या हो जाएगा ओपनिंग इस साल सेल करूंगा तो मेरे रिसीवेबल बढ़ जाएंगे और अगर वो सेल रिटर्न करेगा तो उसके रिसीवेबल कम हो जाएंगे तो एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बनता है अभी शुरू है अभी तो सिर्फ आपका हवा लगवाइए कई दफा पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे लेकिन एटलीस्ट हवा तो प्रॉपर लगे ना उधार पर होने वाली सेल्स उन्हीं सेल में से उधार होने वाली सेल में सेल रिटर्न सेल्स डे बुक में जाती है और सेल रिटर्न डे बुक में जाती है और वहां से अगर हम हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करें तो वो इलाका जहां कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनता है उसको रिसीवेबल लेजर कहते हैं सही है दोस्त अगर रिसीवेबल में सेल करेंगे तो रिसीवेबल बढ़ेंगे डेबिट करेंगे और अगर वो सेल रिटर्न करते हैं तो दो इवेंट सीखे हमने कस्टमर कैश भी देता है कुछ कस्टमर के पैसे डूब जाते हैं बैड डेट्स भी होते हैं तो आगे बहुत कुछ सीखना है अभी तो हमने दो बातें सिर्फ रिसीवेबल में पुट की फिर हमने सीखा कि मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर सकते हैं 80 में 70 150 में 70 क्लोजिंग 80 मैंने कहा टी अकाउंट कैसे क्लोज होता है और टी अकाउंट क्या होता है खाता होता है टी अकाउंट चीजों का क्या होता है खाता तो अकाउंटिंग में किसी की डिटेल मेंटेन करनी तो टी अकाउंट में करते हैं तो ये अकाउंट एक साइड क्रेडिट लिखते हुए राइट साइड क्रेडिट और बाई साइड डेबिट रिसीवेबल है एसेट उसकी नेचर डेबिट होगी जब भी इंक्रीज करेगा डेबिट होगा इनकम कैपिटल लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट तो बढ़ेंगे क्या होंगे क्रेडिट होगा एक्सपेंस की नेचर डेबिट है बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट होगा सही है बच्चों और अकाउंट को टैली करने का क्या तरीका हैवी साइड का टोटल करें वो पुट करें और दूसरी तरफ जहां अमाउंट्स आती हैं अमाउंट्स का टोटल करके दूसरी अमाउंट्स के नीचे लिखें जो अमाउंट पहले से पड़ी हो यहां तो एक ही थी ना सिर्फ और इनमें तो थी भी नहीं तो जो अमाउंट पड़ी हो माइनस करें बाकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाए जैसे 150 में 70 माइनस किया क्लोजिंग बैलेंस क्या है 80 क्लोजिंग बैलेंस को प्यार मोहब्बत से क्या लिखते हैं CD/D भी नहीं सिर्फ कैरी डाउन बोलेंगे कैरी डाउन लिखेंगे CD और एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बनेगा ओपनिंग उसको क्या लिखेंगे बीडी ब्रॉड किसी को एतराज एनी एतराज क्लियर है बाकी बातें करते हैं